जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे लाइट स्किन क्या है, इसके क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं। डार्क स्किन क्या है, इसके क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं। इनमें से कौन से लोग हैं जो ट्रेंड सेटर हैं और कौन सी स्किन है जो एडवांस वर्जन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं डार्क स्किन की। तो इसके नुकसान बहुत कम है और फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं जो कुछ नुकसान है उनकी। विटामिन डी डिफिशियंसी, जो विटामिन डी है इनके केस में ये कमी जल्दी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनको जो रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट है एज कम्पेयर टू लाइट स्किन पीपल वो ज़्यादा होती है, लगभग 6 गुना 6 टाइम्स। मतलब क्या हुआ कि जो ये लोग हैं इनको अगर बैठना पड़ेगा धूप में 10 मिनट के लिए तो इनको बैठना पड़ेगा 1 घंटे के लिए। और नुकसान क्या है कि इनकी जो मसल्स हैं वो बहुत ही स्टेमिना भरी होती हैं, बट क्या होता है कि वो स्लोअर होती हैं। जैसे मैराथन कर सकते हैं तो उनकी मसल्स थोड़ी सी स्लो होते हैं कंपेरेटिवली। अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं डार्क स्किन वाले लोगों के। तो देखिए कि एजिंग में बहुत स्लो होती है। क्यों? एक टर्म है फोटो एजिंग, कि वो एजिंग जो लाइट से स्टार्ट होती है, लाइट करती है ट्रिगर उसको, फोटो एजिंग। तो इसमें क्या होता है, रिंकल्स होती हैं, टेनिंग होती है, तो लगता है कि जो आदमी है या औरत है उसकी जो एज है वो ज़्यादा है। तो इनके केस में जो पीपल हैं डार्क स्किन, इनके केस में ये बहुत ही स्लो है। और क्या करते हैं, जो यूवी रेज होती हैं इनको बॉडी में अंदर घुसने से वो रोक लेते हैं। उससे एक फ़ायदा और होता है कि जो डीएनए डैमेज होता है वो बहुत ही कम होता है। इसका एक प्रूफ होता है कि जो MC1R जीन जो होता है इन अफ्रीकन पीपल, वो क्या होता है कि ये जो जीन है ये ऐसे कैसे है, इसमें बहुत ही कम वेरिएशंस हैं, चेंजेस पाए गए हैं इन अफ्रीकन पीपल। तो हम कह सकते हैं कि जो डार्क स्किन लोग हैं इनका डीएनए है वो मोर सेफ है ड्यू टू पिगमेंट मेलानिन। ऐसा सब क्यों हो रहा है, इनमें पिगमेंट ज़्यादा होता है मेलानिन। वो क्या करता है कि जो यूवी रेज हैं, यूवी रेज उनको डीएनए के ऊपर आने से रोकता है। इसका नुकसान भी है, एक नुकसान ये है कि जो यूवी रेज का जो बी पोर्शन है, यूवी रेज का बी पोर्शन है वो जब गिरता है किसके ऊपर, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, कोलेस्ट्रॉल तो क्या बनाते हैं जाके उसके बाद में लीवर एंड देन किडनीज में, अल्टीमेटली दे फॉर्म विटामिन डी, दैट इज कैल्सी फेरॉल। अब अगली बात करते हैं कि स्टेमिना, मोर स्टेमिना, जो डार्क स्किन लोग हैं इनमें स्टेमिना मोर होता है। इसके पीछे एक साइंस है कि इनमें पिगमेंट होता है मायोग्लोबिन MB, जैसे HB होता है इसी तरह MB होता है। इसका काम क्या होता है, ये स्टोर करता है ऑक्सीजन को, स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। तो इनके केस में ये ज़्यादा होता है, ये जो मायोग्लोबिन पिगमेंट है इसमें अमाउंट में ज़्यादा होता है। तो इनको थकान देर से होती है क्योंकि इसका काम है O2 स्टोरेज। जितनी देर O2 रहेगी तो थकान कम होगी, क्योंकि थकान मीन्स की एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स, कि मसल्स में क्या जम गया, लैक्टिक एसिड, तो वो देर से जमता है क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा टाइम तक अवेलेबल रहती है। अब एक और इनको एज होता है, फ़ायदा होता है कि एंटी माइक्रोबियल, जो मेलानिन है, जो पिगमेंट है मेलानिन, इसमें एक गुण और होता है कि इट इज़ एंटी माइक्रोबियल, जो बैक्टीरिया इनको अटैक करते हैं उनको वो किल कर देता है। और डिहाइड्रेशन में कम होती है, लेस डिहाइड्रेशन, कि जो डार्क स्किन के जो लोग हैं इनको अगर धूप में हम खड़ा करते हैं तो इनके केस में डिहाइड्रेशन कम होती है, तो इस मामले में थोड़े ज़्यादा मजबूत होते हैं। फुल फीचर्स, कि जो उनके फीचर्स होते हैं, आप देखना कि जो उनके जो होठ हैं, लिप्स हैं, वो बड़ी साइज के होते हैं, इनको लोग ट्रेंड करते हैं, फॉलो करते हैं। तो एक तो ये बात होगी कि जो इनके लिप्स हैं वो बड़ी साइज के होते हैं, फीचर्स फुल हैं, बॉडी शेप इनकी फॉलो की जाती है। लोग गो विथ फॉर सर्जरी, कि इनके जैसा बनने के लिए क्या करते हैं, दे गो फॉर सर्जरी। लॉन्ग लास्टिंग यंग लुक, जो इनका जो लुक होता है वो लॉन्ग लास्टिंग यंग ही रहता है, क्योंकि जो इनके जो पिगमेंट है मेलानिन वो इनको बचाता है फ्रॉम फोटो एजिंग, इसलिए इनका लुक है वो ऐसे कैसे बना रहता है फॉर ईयर्स। लॉन्गर लिम्स, अब देखते हैं कि जो लोग होते हैं डार्क स्किन लोग, इनके जो लिम्स हैं, इनके जो कदकाठी है, हाइट है, वो ज़्यादा लंबी होती है, तो इनको भी एक एज होता है। हम बात कर लेते हैं अबाउट लाइट स्किन पीपल,
इनके केस में नुकसान ज़्यादा है और फायदे कम हैं। एक कहावत भी है कि एक सॉन्ग है कि जो रंग है जो घर उस पर गुमान मत कीजिए, उस दिन में ढल जाएगा, वो भी यहाँ प्रूव हो रहा है। तो लॉस क्या है कि फास्ट स्किन एजिंग, क्योंकि इनके केस में पिगमेंट जो मेलानिन है, पिगमेंट मेलानिन वो कम है, तो जो इनकी स्किन है वो फास्ट एजिंग होती है, जल्दी बूढ़ा हो दिखती है, वो स्टेमिना इनमें कम होता है। इसके पीछे भी रीजन है कि इनके जो पिगमेंट होता है मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन वो इनमें कम होता है, तो जो ओटू लेवल है वो जल्दी खत्म होता है, और जल्दी क्या बनता है लैक्टिक एसिड, जैसे वो बना इट मींस कि क्या हो गया, फटीग हो गई। जो डीएनए डैमेज है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जो पिगमेंट मेलानिन जो काम करता है स्क्रीनिंग ऑफ सनलाइट, पर्टिकुलरली यूवी रेज, तो वो जल्दी अप्रोच करती है बॉडी में, डीएनए डैमेज इनको ज़्यादा होता है। अब एक जो हमने बात की दोनों केस में, फोलेट ये विटामिन है, विटामिन बी नाइन ये बहुत ही क्रूशियल पिगमेंट है, विटामिन है दोनों स्किन में। तो यहाँ क्या है कि ये मोर डैमेज हो रहा है इन केस ऑफ लाइट स्किन पीपल। तो इस नुकसान इसका नुकसान ये है कि ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि जिसके लिए, तो फॉर फर्टिलिटी, कि जो ह्यूमन एग है स्पर्म है उनके लिए बहुत ही क्रूशियल होता है। और जो एडोलेसेंस होते हैं, जो किशोर अवस्था में जो लोग होते हैं, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है फोलेट की बहुत हाई होती है। दूसरी एक बात की ब्लड फॉर्मेशन, इनके केस में जो जो लोग हैं डार्क स्किन, इनके केस में जो ब्लड फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होता है, फास्ट होता है, क्योंकि जो फोलेट है इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फर्टिलिटी एंड एग स्पर्म की मैच्योरेशन एंड देयर वर्टिलिटी। फिर इनका नुकसान क्या है अगला, कि डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि जो लाइट स्किन लोग हैं इनमें देर इज लेसर पिगमेंट मेलानिन, और जो जो लाइट स्किन जो लाइट रेज है वो जो सीधे आती हैं बॉडी के अंदर, तो उससे डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है, जम प्रॉन ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, जो बैक्टीरिया हैं जो वायरस हैं जो भी सूक्ष्म जीव आएगा वो जल्दी अटैक कर पाएगा इनके ऊपर। अब कुछ इनके फायदे होते हैं, वो फायदे क्या है कि देगा सिंथेसाइज फास्ट विटामिन डी, कि जैसे जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट जो होती है बॉडी को वो जल्दी बना पाते हैं, कि हमने बात की थी कि वहाँ 10 मिनट के अंदर ही ये बना पा लेंगे, जितना कि वो कब बना पाएंगे 1 घंटे में, यानी कि 5 टाइम्स इनकी स्पीड है वो बनाने की, वो ज़्यादा होती है विटामिन डी की। जो इनके हेयर होते हैं वो कंपेरेटिवली स्ट्रेट होते हैं, कि मसल्स जो होती हैं वो फास्टर होती हैं, फास्टर मसल्स होती हैं, जैसे भाला फेंकना, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इसके लिए ज़्यादा सुटेबल लाइट स्किन लोगों को मानते हैं। इनकी आइज हैं जो कलर्ड होती हैं, तो हम देखेंगे जो लाइट स्किन है वो ज़्यादा नुकसानदायक होती है, और जो डार्क स्किन होती है ये एक एज रखती है, तो ये एक धारणा होती है कि डार्क स्किन लोग हैं वो कुछ किसी मामले में इंफीरियर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एडवांस वर्जन है स्किन का वो कौन सा है, डार्क स्किन, और ये क्या है, दे आर ट्रेंड सेटर्स, ट्रेंड सेटर्स, कि इनको लोग फॉलो करते हैं। इमेजिन एरोक स्टार, क्या माइंड में आया कि एक एक आदमी इसका थोड़ा सा डार्क कलर है और हेयर कैसे हैं, कर्ली हैं, वो क्यों हैं, क्योंकि जो ये जो लोग हैं इनके अंदर जो हेयर हैं वो थिक होते हैं, इनको किसी भी तरह के हम स्टाइल दे सकते हैं।